अध्यक्ष जी, एक तो पिछले दिनों बहुत खतरनाक बरसात हुई थी, उसमें सारा नारनौंद कॉन्स्टिट्यूएंसी के अनेक गांव तबाह हो गए, सारे ट्यूबवेल डूब के, अनेक गांव के मकानों में स्लेट आ गई, मकान खराब हो गए, फसलें खराब हो गई, और बुआरा भी नहीं हुआ बहुत गांवों में, और विशेष तौर से गुराना है हमारा, और ये सिंहवारा गो है, मिलकपुर, मिर्जपुर, यानी अनेक गांव है, खरबड़ा, राखी। तो मेरी सरकार से गुजारिश ये है, कई गांव में बुआरा नहीं हुआ अभी तक, ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान बेचारा जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है वो ठीक से खड़ा हो सके। दूसरा, हमारे सड़कों की हालत बहुत खतरनाक है। अभी 25 करोड़ का मंजूर किया था मुख्यमंत्री जी ने कि 25 करोड़ रुपया ठीक करने के लिए लगेंगे। मैंने पूछा हमारे एक्सीडेंट से, मगर भाई अपने नारनौंद में कितने पैसे लगेंगे, क्यों नारनौंद की सड़क के पिन अभिमन्यु के समय में ही बनती बनती सारी टूट गई थी, हाँसी से उस जीन तक हमारा जहां तक एरिया आता है, वहां आगे तो बनी नहीं, राजस्थल तक बनी, राजस्थल से आगे तो बनी नहीं, वहां भी सारी टूट गई। अब हालत ये नारनौंद गांव में भी बड़े बड़े खड़े हैं, नारनौंद गांव की हालत भी बहुत खराब है। मैंने पूछा भाई कितने रुपए हम ठीक हो जाए, क्योंकि जी 35 करोड़ में तो सिर्फ अंदर की छोड़ के बाकी ठीक होगी। तो भाई दुष्यंत चौटाला यहाँ बैठे है, और तो मौका मिलता नहीं भाई, यूरे ही बात करना चाहता हूँ। ऐसा है, ये तेरा भी हल्का है, क्योंकि जाके बाबू बेटा कह के आए थे कि हम संभालेंगे, इसने संभाल ले, नारनौंद बिल्कुल खत्म है, सड़क खत्म है बिल्कुल, और सड़कें सारी खत्म है, अगर संभाल सकता हो संभाल ले भाई। और जहां तक है नारनौंद बाईपास की भी बहुत पुरानी मांग थी, मुख्यमंत्री ने मंजूर कर रखी, फिर और भी सड़कें थी, धार तक को राखी, ये इधर से राखी और इससे जाती है, वो भी अपना मिलकपुर राखी और अपना लोहारी नागो से दूसरी हमारी नारनौंद से, वो सारी अभी तक नहीं हो पड़ी। नारनौंद बाई जो पास है, जहां से बनाना चाहता हूं बना दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा भाई, सीधी बात। दूसरी बात ये, हॉस्पिटल बिल्कुल हमारे 72 पोस्ट है, 72 पोस्ट मंजूर, 72 पोस्ट में से सिर्फ 27 डॉक्टर लग रहे हैं, 45 पोस्ट खाली है। हालात इतने खराब है, नारनौंद में सबसे बड़ा अस्पताल नारनौंद में है, उसमें एक्सरे की मशीन पड़ी, आज तक कोई एक्सरे की, सारे बाहर से कराते हैं, कोई भी अटेंडेंट नहीं है, ना ही कोई आंखों का डॉक्टर है, पर वहां असिस्टेंट नहीं है उसका। और मैं बहुत दुख आया मुझे, ये डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी थी 50 लाख के बॉन्ड की, फिर 40 की, फिर कम कर दी। अरे मैं कहता हूँ डॉक्टर इतने बेकार घूम रहे हैं, सारी पोस्ट भर दो, सारी पोस्टें खाली पड़ी, नारनौंद हल्के में अकेले 45 खाली पड़ी है। और बास गांव एक ऐसा गांव है, सबसे बड़े गांवों में आते हैं, चंद गांवों में आता है बास, सिसाए, नारनौंद, इसमें सिर्फ एक डॉक्टर है, पुठी गांव में डॉक्टर भी नहीं है, अस्पताल खत्म है, पड़े दीवारें टूटी पड़ी है, बहुत बुरा हाल है, बड़ा गांव है। और खेड़ी चोपटा में इसमें CHC बनाओ, बास में CHC बनाओ, इसमें सिर्फ एक डॉक्टर है और स्टाफ कोई है नहीं, बहुत बुरा हाल है। और इसके अलावा अभी तो शुरू करे है, न्यू 4 मिनट का है। अच्छा, ये एक थोड़ा सा बस बताओ, एक ये कहना चाहता हूँ, अनेक जगह कई स्टेट हैं जिनमें रिजर्वेशन 70% से भी फालतू है, पर यहाँ 70% करी थी हुड्डा साहब के राज में, करी थी कुछ समय यहाँ की दिक्कत है, जो 4 मिनट का आपका 4 मिनट, एक सेकंड खत्म करता हूँ बात। और भाई दोबारा इसको 10% फिर बढ़ा दो, वो हमारा तो एक बालक EWS कर दीजिए, EWS ढूंढांगे हम, EWS का के करेंगे जी, हमारे किसी काम की नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद जी। सत्य सटीक बेबाक।